तो चलिए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, आज सैटरडे संडे यहाँ पे लॉकडाउन है तो कुछ करने के लिए है नहीं। और मैं अब गिफ्ट में गिटार मिला है, उसको यूज़ नहीं करूँगा तो बहुत गाली सुनूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा था कुछ प्रैक्टिस करने का, तो मैं आप लोगों को बजा के सुनाता हूँ कैसा है। और मीनवाइल जिन्हें अपने टाइम पास के लिए अबे जल्दी बोल, पिड़िकिया बनाने वाली है, तो अपना पिड़िकिया की तैयारी की है वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पिड़िकिया। शायद पिड़िकिया सबको नहीं पता होगा, आई गेस गुजिया। तो हम लोग के पास है ये आटा, आटा मतलब ये मैदा को हम लोग इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के, ये पूरा कुकिंग चैनल जोन में चली गई है। तुम ऐसे नॉर्मली बात कर सकती हो जैसे नॉर्मली होते हैं। हाँ, तो क्या 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 है इसमें, ये क्या है? ये है मैदा। तो मैदा अच्छा। हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल के, कुकिंग ऑयल, और उसको कुकिंग ऑयल क्या होता है, रिफाइंड ऑयल, कुछ भी डाल सकते हैं, सरसों तेल नहीं डालना है। और इसको गूथ लिए हैं, सान लिए हैं, मतलब चलेगा, मेरा ऑडियंस भोजपुर का ही है सब। और हम लोग के पास है खोआ, और ये सूजी सॉस के बाटले में, और ये है नारियल। इतना धीरे धीरे बताओगी तो दो दिन हो जाएगा, ठीक है? वो तो याद करना पड़ेगा। और ये है ड्राई फ्रूट्स, को हम लोग काजू किशमिश और बादाम, कुछ भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और ये है चीनी, चीनी कहाँ गई है, ठीक है, आ गया आ गया आ गया। हाँ, तो और ये है घी। अब इधर कैमरा भी खुल जाओगे, हे भगवान। तो हम स्टार्ट करते हैं, गैस ऑन करना है, और इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा घी, ठीक है? तो हम लोग कैमरा को यहाँ भी विंडो पे फिक्स कर देते हैं और फिर आप लोग से बात करते हैं। और जिनी बताते रहेगी कि वो क्या कर रही है, और मैं उसके लिए गाना बजाऊंगा ताकि पिड़िकिया और भी टेस्टी हो जाए। अच्छा, आप लोग गेस जरूर कीजिएगा कौन सा गाना है, देखते हैं मैं कितना गंदा बजाता हूँ। हेलो, हे एवरीवन, तो जिनी काजू किशमिश फ्राई कर रही है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। और देखो, ये मेरा मजाक उड़ाती है इसीलिए इसका इतना मैसअप हो रहा है। और बहुत गंदे से काजू किशमिश निकाली और वो सारा नीचे गिर गया। एक बस नीचे गिरा, ठीक है, ठीक है, एक गिरा ना। मेरा थोड़ा सा उस दिन पोहा गिरा था और उसके लिए इतना हंस रही थी वो। तो मीनवाइल काजू किशमिश और क्या, काजू और बादाम फ्राई हो गया, और किशमिश थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाता ना तो फिर जल जाएगा, ठीक है। पिड़िकिया बनते हुए मैंने कभी नहीं देखा है तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जिनी की तरह मैं हर चीज में एक्सपर्ट एडवाइस देने वो देने का आदत भी नहीं है मेरा, तो मैं देना भी नहीं चाहूंगा और आदत भी नहीं है। चलिए ठीक है, ये तब तक फ्राई होता है, बीच बीच में जिनी कुछ भी जो नया करेगी वो आपको बताते जाएगी। और मीनवाइल आप लोग गेस कीजिए कि मैं कौन सा गाना बजा रहा हूँ। बहुत इजी होना चाहिए, अगर इतना खराब है कि आप लोग गेस नहीं कर पाए तो फिर रिटायर करना पड़ेगा मेरे को। Wait a minute. Who are you? मैं सवेरे से दो तीन बार प्रैक्टिस किया हूँ उसको, तो गेस कीजिए आप लोग। तो अभी हम लोग सूजी फ्राई कर रहे हैं, हमको अपना रेसिपी भी बताना है। काफी अच्छा बजा रहा है दिनेश। करो हाथ जोड़ के, मैं सही बजा। तो आज बस है, आप लोग भी गाने गेस कर चुके होंगे। अगर कोई नहीं बता पाया तो बहुत अच्छा तो नहीं था, बट इट वाज गुड इनफ टू गेस। तो हाँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम था। ओ, यही गेस कर, मतलब पहले ही बता दो और बोलो कि गेस करो। तो अब सूजी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है और मैं बस अभी शुरू हुआ है, ठीक है, बस शुरू हुआ है।
ओके, तो सूजी फ्राई हो रहा है और मेरे पास अब बजाने के लिए और कुछ नहीं है, मैंने भी बस इतना ही सीखा है, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा सीखने के लिए। बहुत अभी गेमिंग लैंग्वेज में काफ़ी नूब हूँ मैं इसमें। तो सेम गाना कितने बार बजाया है, कैसा लगा जिन्हें तुमको मेरा गाना? तो काफी अच्छा लगा, मतलब जिन्हें का म्यूजिक में टेस्ट इतना खराब है कि वो कोई कैसा भी गाए बजाए हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिन्हें किसी का बुराई नहीं कर पाती है। ओ माय गॉड, ये हमेशा इतना पॉजिटिव बात कैसे कर पाती है? ऐसे ऐसे क्या ऐसे मतलब लोग, अगर कोई कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसको डीमोटिवेट करने का क्या जरूरत होता है? ऐसे लोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे लोग पैदा नहीं होते हैं। कुछ भी आई एम श्योर आप भी गाने गेस कर चुके होंगे अभी तक। तो अब सूजी फ्राई हो चुका है और अब नारियल क्या हो रहा है? रोस्ट हो रहा है। नारियल रोस्ट होता है और सूजी फ्राई होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये कुछ ज्यादा ही कुकिंग चैनल देख लिए। तो पिड़िकिया तुम ये घर से सीखी हो कि तुमको भाभी सिखाई है कि ऑनलाइन यूट्यूब से सीखी हो? घर वालों को और भाभी को ये लोगों को कोई क्रेडिट नहीं है। ये फंस गया सी। घर पे भी मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो गया। थोड़ा बहुत फैंसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स डाल दो और तो तुमको क्या लगता है, तुम घर वालों से अच्छा पिड़िकिया बनाती हो या फिर अभी मजा आएगा ना भिड़ो? वो घर पे क्या होता है ना कि मतलब हम लोग के घर पे, हम बता रहे हैं, हम लोग के घर पे ज्यादा सूजी वाला ही बनता था, मतलब उसमें सूजी ज्यादा रहेगा और खोआ कम रहता है। अच्छा, बहुत सारे लोग थे। अच्छा, और मतलब अपने घर का बता रहे हैं ऐसे ही बनता था और खोआ वाला बनता था, बट वो सिर्फ स्पेशली खोआ का थोड़ा सा बनता था, मतलब वो हम लोग जल्दी से एक दिन में खा के खत्म कर देते थे। और जो सूजी वाला रहता था उसमें खोआ थोड़ा कम रहता, तो ऑब्वियसली अगर खोआ ज्यादा है तो टेस्ट ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो हम बस दो लोगों के लिए बनाते हैं, तो खोआ ज्यादा डालते हैं। अच्छा। तो ये एक्चुअली हम लोग कहीं घूमने जाने वाले थे, हम लोग का प्लान था, बट तो उसके लिए मेरा प्लान था कि हम पिड़िकिया बना के ले जाएंगे और हम लोग रास्ते में खाते ले जाएंगे निमकी और पिड़िकिया, बट अब तो लॉकडाउन लग गया तो कहीं जाना है नहीं। हाँ, तो ये हम लोग का प्लान था, सारा सामान आ चुका था, मंगवा लिए थे, तो अब हम लोग खाएंगे घर में। ये जिनी का प्लान था कि हम लोग चाचा चाची के साथ जाने वाले हैं तो पिड़िकिया लेके जाएंगे, चाची को सरप्राइज करेंगे, बट अब हम सामान भी सारा मंगवा लिए थे, कोरोना के चलते वो प्लान कैंसिल हो गया है, तो हम लोग खाएंगे और अगर कभी उन लोग का मिलना हुआ बीच में वीकडे में तो चाची का फीडबैक लिया जाएगा कि कैसा बना है, फिर हम चाची से पूछेंगे कि ये बोल रही थी कि ये आपसे भी अच्छा बनाती है, खा के देखिए। सास लोग से दुश्मनी नहीं लेती है बहू लोग। खोआ जा चुका है, थोड़ा सा चीनी डाल के उसको मिक्स कर देंगे और फिर जो भी खोआ किस चीज से बनता है? जिनी के लिए गाना बजा देते हैं ताकि वो खुश होके ये पिड़िकिया बनाए, डेडिकेटेड टू जिनी। Oh my God. तो कितना तुम रेट करोगे हमको आउट ऑफ 10?
तो अभी तो आप जस्ट सीखना शुरू किए हैं ना, तो कैसे रेट करना है, मतलब कैसे रेट करना है। एक प्रॉपर गिटारिस्ट जो है परफेक्ट वो 10 है, और जिसको कुछ भी नहीं आता है वो 0 है, तो आप कैसे रेट करेंगे? हाँ, तो 5। दो दिन बजाए हुए हुआ नहीं गिटार और 5 हो गए। ऑब्वियसली 0 ही तो। अब ऐसे ऐसे कोई बजाएगा तो वो 5 थोड़ी हो जाएगा। अब मैं अगर खुद को रेटिंग दूं तो अभी 0.5 दूंगा। 0.5 सीरियसली? बट दो ट्यून तो सीख गया हूं। ट्यून सीखने से थोड़ी कुछ होता है। फाइनली सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है, और जिनी इसको क्या बोलते हैं, लोहिया लोहिया बना रही है, तो और ये रहा सारा तैयारी किया हुआ चीज। क्या क्या है ये जिनी? ये है मैदा, और ये है जो इसके अंदर जाएगा, और ये साचा, ये साचा हम लोगों चाची दी है, चाची दी है वो लोग के घर लास्ट टाइम गए थे, तो हम लोग बहुत सारे साचा खरीदे बट सारे ही खराब निकला, एक समोसा वाला थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो जिनी जिनी पिछले बार बनाई थी और वो बहुत ही खराब बना था, तो वो बोल रही थी ये साचा अच्छा नहीं, आई मीन डिजाइन और वो सब टेस्ट ठीक ठाक था बट डिजाइन अच्छा नहीं बना था, और उसके एक 3-4 फूट भी गया था, तो बोल रही थी साचा अच्छा नहीं है इसलिए हुआ। मगर मुझे पूरा शक है कि जिनी का स्किल लेवल कम था और ये बहाना कर रही थी। आज पता चल जाएगा सच्चाई। इसमें काफ़ी टाइम लगा, तो मैंने 3-4 किया बट उसके बाद मैं गिव अप कर दिया, और मैंने बोला चीनी जीने को भी तो भी करो, मेरे से नहीं होगा। बट अब ये रेडी हो चुका है और अब इसको फ्राई करना है। तुम लोग पहले टेस्ट कर लेंगे। हाँ, तेल गर्म हुआ है कि नहीं? हो गया, तेल गर्म हो गया है, तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। ओके, तो ये पहला पिड़िकिया गया और प्रॉपरली गर्म हुआ था, तो देखते हैं अब इसके बाद ये छनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट कैसा होता है। बहुत सारा बन चुका है और कुछ ठंडा भी हो चुका है, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। How is it, buddy? What is the time? Thanks, Vinay.